भारत के कारण फिर ब्रिटेन की राजनीति में आया भूचाल। भारत के खिलाफ बोलने वाली सुएला ब्रेवरमैन पर मचा गदर। ऋषि सुनक ने सुएला को बनाया था गृह मंत्री, लेकिन अब सुनक के गले की फांस बनी सुएला। दोस्तों, ब्रिटेन की राजनीति में एक बार फिर से तूफान मच गया है। यहां अभी प्रधानमंत्री पद को लेकर हलचल खत्म हुई ही थी कि इसके बाद भारत के खिलाफ बोलने वाली सुएला ब्रेवरमैन को देश की गृह मंत्री फिर से बना दिया गया। उन्हें ये पद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिया, लेकिन इसके बाद ब्रिटेन में विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने सुनक के इस फैसले को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पीएम का ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। दोस्तों, इस सुएला ने भारतीयों के खिलाफ कुछ ही बातें बोली थी, जिसके बाद रातों रात उसकी कुर्सी खिसका दी गई और अब ये विवाद बहुत बड़ा रूप ले चुका है। मतलब अब क्या सुनक का ये फैसला उन पर भारी पड़ने वाला है? क्या भारत के खिलाफ बोलने वालों का परमानेंट ताबीज बनने वाला है? क्यों भारत को गुलाम बनाने वाले ही अब भारत की जय जय करने लगे हैं? और दोस्तों, बड़ी बात, क्या सुनक भी लिज ट्रस की तरह विवादों का शिकार हो जाएंगे? आखिर अब क्या चल रहा है ब्रिटेन की राजनीति में, और मोदी आखिर इस विवाद के बीच क्या नया खेल खेल सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बारे में आपको जानकारी देंगे, तो दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले सुएला ब्रेवरमैन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, 42 साल की सुएला ब्रिटेन की राजनीति में सक्रिय हैं। वो साल 2015 से कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्य हैं। साल 2020 से 2022 के बीच सुएला बोरिस जॉनसन की सरकार में अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम कर चुकी हैं। साल 1980 में लंदन में जन्मी सुएला की दो बेटियां हैं। उनकी माँ उमा का जन्म एक हिंदू तमिल परिवार में मॉरिशस में हुआ था, जबकि उनके पिता क्रिस्टी फर्नांडिस गोवा से थे। ब्रेवरमैन की माँ मॉरिशस से यूके गई, जबकि उनके पिता 1960 के दशक के दौरान केनिया से यूके पहुंचे थे। ब्रेवरमैन का राजनीतिक करियर 2005 से शुरू हुआ, जब उन्होंने लिसेस्टर ईस्ट से आम चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रही। 2015 में चुनाव जीतकर ब्रेवरमैन ने फरेहम के लिए कंजर्वेटिव सांसद का पद संभाला। वो साल 2017 में और फिर 2019 में फिर से चुनी गई। सुएला ब्रेवरमैन त्रिरत्न बौद्ध समुदाय के एक एक्टिव मेंबर हैं। उन्होंने धम्म पद पर संसद के कार्यालय में शपथ ली थी। वैसे ब्रेवरमैन उस समय विवादों में आई थी जब उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील का ये कहते हुए विरोध किया था कि उनके देश में गैर कानूनी तौर से रह रहे भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में ये डील देश के लिए खतरनाक हो सकती है। उस समय सुएला गृह मंत्री थी और भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी, जो अब भी चल रही है। एक इंटरव्यू के दौरान सुएला ने कहा था कि अगर भारत से ये सौदा हो गया तो भारत से आने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी। उनके मुताबिक पहले से ही यूके में अपने वीजा की अवधि खत्म करने के बाद भी वहां रुकने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लोग भारत के ही हैं। इस बयान को लेकर भारतीय उच्चायोग और अधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बयान के लिए गलती मानी। उन्होंने वैश्विक मंच पर यह ऐलान किया कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन भारत के साथ एक व्यापार समझौते को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है। इससे पहले जून में द टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में भी ब्रेवरमैन ने कहा था कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य पर गर्व है। ये भी बताया था कि उनके माता पिता 1940 के दशक में पैदा हुए थे, तब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और वो हुकूमत की तारीफ करते नहीं थकते थे। सुएला ब्रेवरमैन लिज ट्रस की सरकार में मंत्री थी, लेकिन उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। सुएला ने संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों को फॉरवर्ड करने के लिए अपने व्यक्तिगत ईमेल पते का इस्तेमाल किया था। जिन नियमों का पालन मंत्रियों को करना होता है, उसे सुएला ने तोड़ दिया था। इसके एक सप्ताह पहले ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुएला ट्रस कैबिनेट की पहली मंत्री थी जिन्होंने लिज ट्रस की सरकार से नाराज होकर इस्तीफा दिया था। उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि मुझसे गलती हुई है और मैं इसकी जवाबदेही लेती हूँ, मैं इस्तीफा देती हूँ। मैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद सुएला ब्रेवरमैन की बतौर गृह मंत्री वापसी हुई है। इससे पहले ब्रेवरमैन ने प्रधानमंत्री के लिए सुनक का समर्थन किया था, लेकिन फिर उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी। वहीं सुनक पर इस फैसले का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। विपक्ष की माने तो सुनक ने ब्रेवरमैन को मंत्री बनाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने सुनक पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री की दौड़ में समर्थन के बदले ब्रेवरमैन को ये पद दिया है। विपक्ष के नेता और लेबर पार्टी के सांसद यवेटी कूपर ने सुनक के गैर जिम्मेदाराना फैसले के लिए फटकार लगाई है। उनका कहना है कि पीएम का ये फैसला एक बार फिर से
देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। कूपर ने कहा कि जिस मंत्री ने सुरक्षा चूक पर मंत्री स्तरीय संहिता का उल्लंघन किया हो, उसे मंत्री बनाकर सुनक ने सबसे गलत फैसला लिया है। इस तरह के हालातों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा भी अहम है और उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यविच कूपर ने कहा कि ऋषि सुनक और सुएला इन सवालों से दूर नहीं भाग सकते, ये उनके लिए बहुत गंभीर है और गृह मंत्री की दोबारा नियुक्ति प्रधानमंत्री के फैसले के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। विपक्ष के नेता कीर स्टार्मर ने कहा कि सुनक ने ईमानदारी, पेशेवर क्षमता और जवाबदेही के साथ सरकार चलाने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने गृह मंत्रालय उस महिला को दिया है जिसे केवल एक सप्ताह पहले ही पद छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि सुनक ने ब्रेवरमैन की वापसी के अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा, गृह मंत्री से गलती हुई थी लेकिन उन्होंने उस गलती को स्वीकार किया, उन्होंने इस मामले को उठाया और अपनी गलती मानी। लेकिन रोम से और साउथहैम्पटन नॉर्थ से सांसद नोक्स ने सहमति जताई कि ब्रेवरमैन की दोबारा नियुक्ति को लेकर जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद कैरोलिन नोक्स ने कहा कि इस मामले को लेकर बड़े सवाल उठे हैं और इसकी पूर्ण जांच की मांग की गई है। टोरी पार्टी के पूर्व चेयरमैन जिक बेरी ने कहा कि ब्रेवरमैन ने कई बार नियमों का उल्लंघन किया है जो गंभीर है। इसके अलावा ट्रस्ट के कार्यकाल में पार्टी चेयरमैन बेरी को सुनक ने बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने भी कैबिनेट में ब्रेवरमैन की वापसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रेवरमैन ने अपने निजी ईमेल से सरकारी दस्तावेज को एक अन्य सांसद को भेजा। मेरे ख्याल से ये नियमों का गंभीर उल्लंघन है। लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट दोनों ने नियमों के उल्लंघन पर ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाया है, साथ ही कैबिनेट कार्यालय को जांच के लिए बुलाया है। ब्रेवरमैन ने अब तक सांसदों के सामने उसके आसपास की परिस्थितियों को समझाने के लिए पेश होने से इनकार कर दिया है। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के नए चेयरमैन नाधिम जाहवी ने ब्रेवरमैन की बहाली के सुनक के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सुनक ने ब्रेवरमैन को दूसरा मौका दिया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करते हुए कैबिनेट ऑफिस मंत्री बोरोनेस नेवल रोल्फ ने कहा कि प्रधानमंत्री सुनक अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट हैं कि ये ईमानदारी और जवाबदेही से परिपूर्ण सरकार है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ब्रेवरमैन की वापसी का सुनक का फैसला सही है। खैर, ब्रिटेन में देखने वाली बात होगी कि सुएला ब्रेवरमैन अपने पद पर रहती हैं क्या, उन्हें फिर से इस्तीफा क्या देना पड़ सकता है, इसके साथ ही ऋषि सुनक के फैसले का उन पर क्या असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको एक खबर से रूबरू करवा देते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक और उनका परिवार 10 डाउनिंग स्ट्रीट के एक छोटे फ्लैट में लौटेंगे। सुनक के प्रवक्ता ने बताया कि सुनक और उनका परिवार वहाँ बहुत खुश है, इसलिए वे इस छोटे फ्लैट में रहने के लिए लौटने वाले हैं। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक साल 1735 से ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों का आवास रहा है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास स्थान है, इसके साथ ही ये उनका ऑफिस भी है। इसके अलावा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 10 डाउन स्ट्रीट से ही दुनिया भर के नेताओं और मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है। बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहने के दौरान भी सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति और दोनों बेटियों के साथ इसी फ्लैट में रह रहे थे। हाल के सालों में ब्रिटेन के कई प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ नंबर 11 के बड़े फ्लैट में रहते आए हैं। ये पूछने पर कि सुनक ने नंबर 10 को ही क्यों चुना, इस पर डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने बताया कि वे वहां बहुत खुश थे।